अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति गद्यांशानुवादः शुकनाशोपदेशः। शीर्षकम् अस्ति गद्यांशानुवादः शुकनाशोपदेशः। वानभट्ट विचित कादंबरी के तहत शुकनाशोपदेश की चर्चा है। युवराज बनने के पूर्व महामंत्री शुकनाश राजकुमार चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, उससे संदर्भित गद्यांश है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलाती शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्य उपयाति बुद्धि अनुंजित धवलतापि सराग भवती नूनां दृष्टि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्य मुपयाति बुद्धि अनुंजित धवलतापि शरागै भवति यूनां दृष्टि कालुष्यम् उपयाति यौवन आरंभे। अनुंजित धवल ताप कपि च प्रायः बहुधा यौवनारंभे शब्दार्थः च और यौवनारंभे जवानी के आरंभ में अर्थात
तरुणावस्था, तरुणावस्था में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अति बुद्धि, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अति बुद्धि, शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण स्वच्छ बनी हुई बुद्धि, शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण मल धुल जाने के कारण अर्थात शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण स्वच्छ बनी हुई बुद्धि कालुष्यं कालुष्यं उपयाति, कालुष्यं उपयाति कलुष भाव को, कालुष्यं कलुष भाव को उपयाति प्राप्त करती है। अनुंजित धवलापि अपि, अनुंजित धवलापि अर्थात शुक्लता बिना भी, शुक्लता बिना भी तरुणों के नेत्र में, तरुणों के नेत्र में युनाम माने तरुण, युनाम तरुण दृष्टि नेत्र में शराग एव भवति, अनुराग से युक्त रहता है, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि अनुंजित धवलतापि शरागैव भवति यूनां दृष्टि। पुनश्च और प्रायः बहुधा यौवनारंभे, जवानी के आरंभ में अर्थात तरुणावस्था में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि बुद्धि, शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण स्वच्छ बुद्धि कालुष्यं उपयाति कलुष भाव को प्राप्त करती है। अनुंजित धवलता की शुक्लता के बिना भी, शुक्लता के बिना भी युनाम तरुणों के दृष्टि नेत्र में शरागव एव भवति अर्थात अनुराग रहता है। भाव यह है इसका, इस गद्यांश का शब्दार्थ के पश्चात गद्यांश अनुवाद इस प्रकार है कि तरुणावस्था में शास्त्र के जल से धूल जाने के कारण
स्वच्छ बुद्धि में भी कलुष भाव उत्पन्न हो जाती है। और नेत्र में शुक्लता अर्थात सफेदी के बिना भी तरुणों के नेत्र में अनुराग रहता है। कहने का भाव है कि तरुणावस्था में वासनाओं का वास हो जाता है और उस वासना के मध्य से नेत्र लाल हो जाता है, अर्थात वह मकवाला की स्थिति में हो जाता है। कौन? तरुण।